Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. CCNA routing switching key. Last topic thi hamare paas IPv6 global unicast. To aaj hum log unicast address ki kya padhenge aap? Unique local padhenge. Unique local hai kya hamare paas? Iske bare mein kuch discuss kar lete hain. Unique local lack private IP address. Private IP address hamare paas kaun kaun se addresses the IPv4 mein? IPv4 है मेरे पास, मैं यहाँ पे कोई पेन सेलेक्ट कर लूँ. IPv4 में हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस क्लास ए की में भी एक एड्रेस थी, क्लास बी में भी एक आईपी एड्रेस थी, जो आईएनए की तरफ से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिली है. क्लास ए में कौन सी थी? 10.0.0.0. क्लास बी में 172.16.0.0. क्लास सी में 192.168.0.0. ये कहाँ तक जा रही थी? 10.255.255.255. क्लास बी में मेरे पास 172.31 तक .255.255 तक जा रही थी. क्लास सी में मेरे पास 192.168.255.255 ये क्लास ए हमारे पास 1,67,77,216 आईपी एड्रेसेस हुआ करती थी. क्लास बी हमारे पास 10,48,576 आईपी एड्रेसेस हुआ करती थी. क्लास सी में 65,536 आईपी एड्रेसेस हुआ करती थी. तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस थी. इसको फिर बाद में जब हमारे पास आईपी वर्जन 6 यहाँ पे कम होने को आई तो हम लोगों ने क्या कि इन्हें जाके नेट टेक्निक यूज़ की. इसके ऊपर कौन सी नेट टेक्निक यूज़ की? नेटिंग कर ली, ठीक है. लेकिन हमारे पास आई पी वर्जन 6 में नेट नहीं है. नो मोर ब्रॉडकास्ट, नो मोर नेट हियर. तो इसी तरह से हमारे पास भी यहाँ पे प्राइवेट आई पी एड्रेसेस है, मगर ये राउटेबल है अपने लैन के ऊपर. इसके थ्रू आप क्लाउड एक्सेस नहीं कर सकते, ग्लोबली आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते. प्राइवेट के थ्रू आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, मगर लाइक क्या है प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ये एड्रेस के पास FC00:7 से स्टार्ट हो रही है. दे आर नॉट राउटेबल इन ए ग्लोबल IPv6 इंटरनेट. इंटरनेट के ऊपर आप इन्हें राउट नहीं कर सकते. स्टार्ट विद इधर FC और FD इन द फर्स्ट टू नंबर्स. कैसे आते हैं इसको आगे फिगर से समझ लेते हैं. मेरे पास ग्लोबल यूनिकास्ट, ठीक है. इससे मेरे पास क्या आ रही है? ये ग्लोबल यूनिकास्ट नहीं है मेरे पास, यूनिक लोकल. क्या आ रही? यूनिक लोकल आ रही है. तो मैं इसको यहाँ पे देख लेता हूँ क्या आ रही थी मेरे पास. यूनिक लोकल एड्रेस, ठीक. तो ये मेरे पास यूनिक लोकल एड्रेस होगी. अब यूनिक लोकल एड्रेस में आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने फर्स्ट 8 बिट्स, 8 बिट्स मेरे पास कौन सी यूनिक लोकल एड्रेस स्टार्ट हो रही है यहाँ से. इसमें मेरे पास 48 बिट्स किस चीज़ के? नेटवर्क्स के. अकेले 48 के पास ग्लोबल प्रीफिक्स थे, इसमें 16 के पास सबनेट्स के थे. टोटल आपके पास 64 बिट्स आपके पास आपके नेटवर्क के हैं और 64 बिट्स आपके पास किस चीज़ के? होस्ट के लिए. किस चीज़ के लिए? होस्ट के लिए. हम किसी भी नोड को, किसी भी वर्क स्टेशन को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी एंड डिवाइसेस को ये एड्रेसेस आप असाइन कर सकते हो. अब यहाँ पे बात आ गई सबनेट की. शोएब भाई ने पूछा कि सबनेट क्या है. अब अगर मैं यहाँ पे एक सबनेट चेंज कर लूँ, 1 कर लूँ, तो कंप्लीट आप यहाँ पे आप जितने भी एड्रेस असाइन करोगे, जितने भी वापस में सारे कम्युनिकेट करेंगे, 00 से लेकर के 1, 2, F, E, D जो भी एड्रेस आएंगे इसको चेंज ना करें. बाकी अभी जितने भी एड्रेस आपके पास आएंगे सारे आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे. मगर कम्युनिकेट कब नहीं कर सकते हैं? कम्युनिकेट तब नहीं कर सकते जब यहाँ पर मैं सबनेट चेंज कर लेता हूँ. मैंने सबनेट चेंज कर ली, मेरे पास यहाँ पर कितने 4 फील्ड्स आ रहे हैं. एवरी फील्ड्स कितने के पास? 1 डिसिमल नंबर्स होते हैं. एवरी फील्ड
हर ग्रुप के अंदर हेक्साडेसिमल नंबर, इट मींस आपके पास 16 बिट्स, आपके पास हर एक जीरो से जा रहे कहाँ तक, एफ तक। तो फिर इसे काउंट कर ली, देख ली यहाँ पे, तो सबनेट की यहाँ पे समझ आ गई। अब इसमें से आपके पास 8 बिट्स फिक्स होंगे यूनिक लोकल में, 8 बिट्स किस तरह से के पास यहाँ पे एफ सी आ रहा है, तो आते इन्हें समझते हैं। एफ सी, एफ सी डबल ज़ीरो, आपके पास कितने 1, 2, 3, 4, एक निबल ली होगी आपके पास, दूसरी निबल 1, 2, 3, 4, सही मेरे भाई, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 की ताकत 0, 2 की ताकत 1, 2 की ताकत 2, 2 की ताकत 3, यहाँ पर भी 2 की ताकत 0, 2 की ताकत 1, 2 की ताकत 2, 2 की ताकत 3। अभी से कितनी स्लैश 8 की बात की यहाँ पे, कितनी स्लैश 8 की बात की, स्लैश 7 की बात की थी, हाँ क्यों स्लैश 7 है मेरे भाई, स्लैश 7 है, ठीक है स्लैश 7 है। फिर यहाँ पे समझने से पहले 7 को समझ लेते, फिर 8 को भी समझ लेंगे यहाँ पे, ठीक। तो अब क्या होगा आपके पास, यहाँ पे वापस आप आ जाए, मेरे पास एफ सी डबल ज़ीरो स्लैश 7, तो आपके पास 1, 2, 3, 4 ये फिक्स आ रहे हैं, और यहाँ के पास 1, 2, 3, 4। अभी एफ किस चीज़ से बन रहा है, इसकी वैल्यू क्या थी, 1, 2, 4, 8, टोटल कितने हो गए 15। तो आपके पास क्या एफ इज इक्वल टू 15 है या नहीं, अच्छा एक एक जो नंबर थे मेरे पास 10, बी मेरे पास थे कितने 11, सी मेरे पास कितने थे 12। अब इसमें क्या होगा, अगर आपको 12 लाना हो तो मैं यहाँ से 8, 4, 2, 1 कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, मेरे पास मुझे चाहिए 12, 12 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को ऑन करना पड़ेगा, ये मेरे पास रहेगी 0, क्योंकि सी में लाना चाहता हूँ तो इसके लिए कितने होंगे 12। क्या सी इज इक्वल टू 12 कह सकते हैं, नहीं। तो आपके पास क्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, ये 7 बिट्स आपके पास एफ सी, मतलब आपके पास यूनिक लोकल एड्रेस एफ सी से स्टार्ट हो रही, कहाँ तक जा सकती है। अगर मैं इसे भी ऑन कर लूँ, 1 को ऑन कर लेता हूँ, तो फिर यहाँ पे क्या होगा 12 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, क्या फिर बाद में इसे एफ डी कह सकता हूँ या नहीं, एफ डी डबल ज़ीरो डबल कॉलन स्लैश 8 कह सकते हो अभी यहाँ पे। और जब बात यहाँ पे आ गई स्लैश 8 की, ठीक है, आपके पास ये केवल स्लैश 7 है, स्लैश 8 तब बनेगी अगर आप डी को यहाँ पे इंक्लूड कर ले इसमें। ये सेंट्रल असाइन नंबर है, फ्री यूज, सेल्फ क्या है, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असाइनमेंट, मतलब के पास आप प्राइवेट अपनी लैंग के ऊपर इन्हें असाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये मेरे पास कौन सी होगी, यूनिक लोकल एड्रेस, यूनिक लोकल एड्रेस हमारे पास वो एड्रेसेस है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हैं, जिन्हें हम लोग प्राइवेट आई पी एड्रेसेस कहते हैं, क्या है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हम लोग इसे कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अस्सलाम वालेकुम।